वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास सेकेंड एंड टुडे वी कंटिन्यू चैप्टर 7 विच इज द मनी एंड टुडे वी डू एक्सरसाइज 7.2 डू इन नोटबुक। और ये एक्सरसाइज हमें नोटबुक में करनी है, तो आप ये जो भी मैं आज आपको वर्क करवाऊंगी ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। नाउ सी इन दी बुक, दिस इज योर मैथ्स बुक, मैथ्स ऑफ क्लास सेकेंड। नाउ ओपन एक्सरसाइज 7.2, दिस इज द एक्सरसाइज 7.2, पेज नंबर 73। इसमें हमें क्या करना है, एट द फॉलोइंग, ये हमें कुछ सम्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें ऐड करना है यानी प्लस करना है। देखो ये अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ आप नोटबुक में करेंगे और ये आपको अपनी बुक में भी फिल करना है। तो देखिए आप नोटबुक में, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ₹53, फिर ₹27, ऐड करना है इसलिए प्लस का साइन है। बच्चों पहले हम ये वंस के नीचे वंस और ये टेंस के नीचे टेंस, तो हम यहाँ से शो करेंगे प्लस करना। 3 और 7 को प्लस करेंगे 10 होता है, 10 के लिए हम यहाँ 0 लिखेंगे और इसका जो 1 है वो हम यहाँ कैरी लगा देंगे। 1 and 5, 6 होते हैं और 2 प्लस करेंगे 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 और रुपीज़ के नीचे रुपीज़ और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ₹80। इसी तरह से देखिए सेकंड है ₹54 and ₹35 प्लस करना है। पहले हम 4 और 5 को प्लस करेंगे 9, 5 and 3 को प्लस करेंगे 8। और बच्चों रुपीज़ के नीचे रुपीज़ ही आपको लिखना है, ये कितना आंसर आ गया रुपीज़, ये रुपीज़ का साइन होता है बच्चों, ₹89 और दिस इज द आंसर। इसी तरह से देखिए फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ वो आपको सारे करने हैं, ओके। अब ये थोड़ा सा अलग है, अब इसमें रुपीज़ नहीं है, इसमें है पी, पी मीन्स पैसे, 27 पैसे, 48 पैसे, तो पी के नीचे पी यानी पैसे लिखेंगे हम पी। अब 7 और 8 को हम प्लस करेंगे 15, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे, इसका जो 1 है वो कैरी हम 2 के ऊपर यहाँ लगा देंगे। अब 1 and 2 कितने हो गए बच्चों, 3, अब 3 में 4 प्लस करेंगे 7, तो यहाँ लिखेंगे 7, तो आंसर क्या आया 75 पैसे, पी मीन्स पैसे। इसी तरह से देखिए सिक्स क्वेश्चन, ये है 36 पैसे, पी को हम पैसे पढ़ेंगे एंड 58 पैसे प्लस करना है। 6 और 8 को हम पहले प्लस करेंगे, देखो पी के नीचे पहले पी लिखेंगे, अब 6 और 8 को हम प्लस करना है 14, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे और जो 1 है वो हम 3 के ऊपर यहाँ कैरी लगा देंगे। 1 and 3, 4 हो गए, 4 में फिर हम 5 प्लस करेंगे 9, यहाँ 9 लिखेंगे, तो आंसर क्या हो गया बच्चों 94 पैसे। इसी तरह से देखिए और क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों मैं बीच बीच में से इसलिए करा रही हूँ जो थोड़े अलग अलग हैं, बाकी जो सेम है वो आपको अपने आप करने हैं। रुपीस और ये पैसे, अब इस तरह के क्वेश्चन हैं कुछ। पैसे के नीचे जो नंबर है ये हमारे पैसे हैं और रुपीस के नीचे जो नंबर लिखा हुआ ये हमारे रुपीस हैं, यानी 6 रुपीस और 65 पैसे। इसी तरह से 3 रुपीस एंड 24 पैसे। अब हम इनको प्लस करेंगे, यहाँ से करना शुरू करेंगे हम 5 एंड 4 प्लस करेंगे तो वी गेट 9, 6 एंड 2 8, हम इनको प्लस करेंगे 6 एंड 3 9, सो दिस इज द आंसर। इसी तरह से देखिए 10th वाला क्वेश्चन, ये रुपीस और ये पैसे, पैसे के नीचे जो भी नंबर लिखा हुआ है ये पैसे हैं और रुपीस के नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं ये रुपीस हैं, तो हम यहाँ से प्लस करना शुरू करेंगे 7 एंड 2 9, 2 एंड 1 3, अब रुपीस को प्लस करेंगे 3 एंड 3 6, 3 एंड 1 4, तो बच्चों 46 क्या है रुपीस, 39 पैसे, इनको अलग अलग पढ़ेंगे एंड दिस इज द आंसर। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 रुपीस एंड पैसे। अब इसमें देखो ये पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट से पहले ये नंबर लिखा हुआ ये है हमारा रुपीस और पॉइंट के बाद जो नंबर लिखे हुए हैं ये हैं हमारे पैसे, 56 रुपीस एंड 46 पैसे। इसी तरह से देखो 39 ये हैं रुपीस एंड 74 हैं पैसे। अब हम इनको प्लस करते हैं, पहले हम पैसों को प्लस करेंगे 6 एंड 4 10, तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसका कैरी इस 4 के ऊपर लग जाएगा यहाँ। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे 12, यहाँ 2 लिखेंगे, इसका कैरी हम इस नंबर पर लगाएंगे 6 के ऊपर, और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे हम भी, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाना है बच्चों। अब इन तीनों को प्लस करेंगे 1 6 9, वी गेट 16, यहाँ 6 लिखेंगे और इसका जो 1 है वो कैरी 5 के ऊपर आ जाएगा। अब हम इनको सबको प्लस करेंगे 1 5 3, वी गेट 9, ये हमारा आंसर। अब हम इसको कैसे रीड करेंगे, 96 रुपीस 20 पैसे। पॉइंट से पहले जो नंबर होता है ये हमारा रुपीस होता है और पॉइंट के बाद के जो नंबर होते हैं वो पैसे होते हैं। इसी तरह से देखिए 14 रुपीस एंड पैसे, इसमें भी पॉइंट है, ये जो नंबर है ये हमारे रुपीस हैं, 143 रुपीस, ये 55 पैसे, नीचे है ये 259 रुपीस, ये 78 पैसे। अब हम इन्हें प्लस करते हैं 5 and 8 13, यहाँ 3 लिखेंगे, इसका 1 कैरी यहाँ लगा देंगे हम 5 के ऊपर, 1 5 और 7 हो जाएगा 13। फिर से हम यहाँ 3 लिखेंगे, इसका कैरी इस 3 के ऊपर हम यहाँ लिखेंगे और पॉइंट के नीचे पॉइंट, अभी हो जाएगा 10 13, सभी को प्लस करेंगे तो 3, इसका 1 कैरी 4 के ऊपर लगा देंगे, 1 और 4 5 हो गए, 5 और 5 10, तो यहाँ आ जाएगा 0।
हरी वन के ऊपर। अब इन सभी को प्लस करेंगे हम, वन वन टू, टू में हम टू प्लस करेंगे, फोर यहाँ रखेंगे फोर। तो हम किस तरह से इसको रीड करेंगे, अब ये पॉइंट है, इससे पहले ये इसको एक साथ पढ़ेंगे हम, 403 रुपीज़ 33 पैसे, दिस इज द आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15, ये रुपीज़ है और ये पैसे, तो ये 25 रुपीज़, अब पॉइंट के बाद ये नंबर लिखा हुआ है 56 पैसे, 46 रुपीज़ 28 पैसे। पॉइंट से पहले वाला नंबर रुपीज़ और पॉइंट के बाद वाला नंबर पैसे। अब हम इन्हें प्लस करते हैं, सिक्स एंड एट 14, 4 लिखेंगे, इसका 1 कैरी हम यहाँ लगा देते हैं 5 के ऊपर, 5 और 1 6 और 2 8, इसका कोई कैरी नहीं है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 एंड 6 11, तो 1 लिखेंगे, इसका कैरी 2 के ऊपर यहाँ आ जाएगा, 1 एंड 2 3, और 3 में हम 4 प्लस करेंगे 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। आंसर क्या हुआ हमारा बच्चों, 71 रुपीज़ 84 पैसे, सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करने हैं, और बाकी ये जो आपकी बुक है एक्सरसाइज 7.2, ये आपको अपनी बुक में ये कंप्लीट फिल करना है, ओके। ये आपके क्वेश्चन कहाँ तक हैं बच्चों, ये हैं आपके 18 तक, तो यहाँ तक आपको ये कंप्लीट करना है, बुक में भी फिल करना है और नोटबुक में भी करना है। योर एक्सरसाइज 7.2 इज़ कंप्लीटेड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।